जांजगीर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 5 दिवसीय स्काउट गाइड के संभाग स्तरीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में केंद्रीय विद्यालय रायपुर संभाग के 24 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के 120 भारत स्काउट्स के प्रतिभागी और शिक्षक सहित अन्य लोग शामिल हुए हैं। शिविर के माध्यम से स्काउट्स गाइड्स के प्रतिभागियों को देश सेवा, राष्ट्रभाव, समाज सेवा का भाग जगाने तैयार किया जाता है। इस शिविर के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान के लिए प्रतिभागी को चयनित किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति सम्मान के लिए भेजा जाता है। स्काउट्स गाइड के शिक्षक ने बताया कि 10 साल के होने के बाद प्रतिभागी स्काउट्स में भाग लेते हैं, फिर प्रथम स्वपान, द्वितीय स्वपान, तृतीय स्वपान पूर्ण करने के बाद संभाग स्तरीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर के माध्यम से उनका टेस्ट किया जाता है। जो प्रतिभागी इस टेस्ट में उत्कीर्ण होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाता है। स्काउट्स के माध्यम से प्रतिभागियों को 9 नियम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है और गरीबों की सेवा के साथ साथ कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहना, संकट काल में सेवा के लिए अग्रसर रहना आदि के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही बीमारी से बचने और कम साधनों में कैसे सर्वाइव करना है, यह गुण सिखाए जाते हैं। यह सब गुण सीख कर स्काउट्स गाइड के प्रतिभागी लोगों को जागरूक करते हैं और मदद भी करते हैं। मेरा नाम शिवम राय है, मैं केंद्रीय विद्यालय कुसमुंडा कोरबा से आया हूँ स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार कैंपिंग करने। यहाँ अपना राज्य पुरस्कार का तैयारी करने के लिए तृतीय सोपान हमने यहीं से किया है, यहीं से पास होकर फिर ये स्कूल में हम आए हैं। यहाँ के कैंपिंग फायर में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को दूसरे का सहायता करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि छोटे बच्चे लोगों का कोई कोई जिसके पैर वैर नहीं रहते, उसका हम स्कूल में सहायता करते हैं बैग वैग ले जाने के लिए। शिविर में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम भाग लेके अपने जीवन में जीने के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे हमें जीवन कैसे जिया जाता है करके भी बताया जाता है, हमें कैसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करने में तैयार रहना चाहिए, ये सब सारे चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम आशा करते हैं कि अब राज्यपाल भी हम पूर्ण करके आगे जाके राष्ट्रपति का भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। एक जुनून रहता है एक लोगों की मदद करने के लिए। इस स्काउट गाइड से जुड़ के हम लोग को एक जुनून रहता है कि दूसरों की मदद करें और कहीं भी हमारी आवश्यकता हो तो हम वहाँ पे तैयार रहें। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। जैसे हम लोग को मतलब पहले हम लोग को ना नॉटिंग आता था ना लैशिंग आता था। हम लोग इस स्काउट एंड गाइड ग्रुप में ज्वाइन हुए तब हमको जाके पता चला कि नॉटिंग क्या होता है, लैशिंग क्या होता है। अब हम उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे करना ये भी पता रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ सिखाए गए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं जो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाएं कि कैसे क्या क्या होता है। जैसे पॉइनरिंग है, मंकी ब्रांच है एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से मैं कुछ कुछ का नाम लेना चाहूँगा, जैसे हिच नॉट, रिफ नॉट, बो लाइन, बहुत सारी नॉट्स हैं, लैशिंग्स हैं जो हम लोगों को टीचर ने सिखाई। और भी बहुत सारी चीज़ सिखाई टीचर्स, जैसे कैसे व्यवहार बनाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे यहाँ पे कैंप बनाया जा कैंप में कैसे रहा जाता है और कैसे कैंप क्राफ्ट किया जाता है, फायर सॉन्ग कैसा होता है और कैंप फायर कैसे बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखे और हम लोग को बहुत दोस्त भी मिले, कैसे टीचर्स वहाँ पे हमको लाए और बताएं कि कैसे कैसे होता है। संभाग स्तरीय रायपुर संभाग का राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, कैंप चल रहा है हमारा। ये 28 से 1 सितंबर तक, 28
अगस्त से 1 सितंबर तक 5 दिवसीय कैंप है, जिसमें रायपुर के विभिन्न विद्यालयों से बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बच्चों की संख्या 120 है। APRU पार्ट 2 होती है, जिसमें नियम रहते हैं, उसी को बेस बनाकर बच्चों को प्रत्येक पॉइंट को कंप्लीट करते हुए, उसको बेस करते हुए, उसको लेते हुए, बच्चों को समझाते हुए सिखाया जाता है और उसका टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट हमारा ओरल भी रहता है, रिटन भी रहता है और प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल में जैसे रोप वर्क होता है, पानीयरिंग होता है, उसमें बनाते हैं, मंकी ब्रिज बनाना है, वॉच टावर बनाना है, बहुत सारे गैजेट्स बनाने हैं, तो ये सब होता है। तो ये तीन प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। ये कहते हैं, ये हमारा जो संगठन है स्काउटिंग का, ये केवल भारत का ही संगठन नहीं है, विश्वव्यापी संगठन है और इसमें विश्व के विभिन्न देशों को मैं शामिल है और चलता है वहाँ पर। और ये अगर इतना इसका उद्देश्य समाज को अगर लाभ देने वाला ना होता तो लोग अपनाने से पीछे रहते हैं, लेकिन इसका विस्तार जो है वो इसी कारण से है। हमारे बच्चे, हमारे जो नियम होते हैं, लॉ, 9 नियम बनाए हैं, 9 पार्ट, 9 भाग हैं, उन नियम के अंतर्गत लोगों की सेवा करते हैं। इसका हमारा मोटो ही है, जैसे बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना। और किस लिए तैयार रहना? कुछ अच्छा करने के लिए। और ये कहते हैं ना, शांति काल ही नहीं, जैसे मान लो कहीं मेला चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, उधर जाके बच्चे हमारी सेवा देते हैं, तो वहाँ ही नहीं, और संकट काल, कहीं भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, त्रासदी हो कुछ एक, तो वहाँ जाके भी बच्चे हमारी सेवा देते हैं। तो शांति काल ही नहीं, संकट काल में भी लोगों की सेवा करते हैं। और स्टेज फियर समाप्त हो जाता है। नेतृत्व करना, टीम वर्क में कैसे रहना, टीम ग्रुप के साथ कैसे रहना, चलना, सीखना, खाना पीना और बाहर रहना, और मिनिमम साधनों में, कम से कम साधनों में अधिकतम अपने को सर्वाइव करना, जीवन जीना, ये हमारा स्काउटिंग सिखाता है। शिविर में देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत से स्टेप्स हैं। जो हमारा स्टूडेंट है, 10 साल जैसे ही होते हैं उसको, प्राइमरी क्लास पास करने के बाद जब वो 10 साल का हो जाता है और 6th में जैसे ही पहुंचता है, तो यहाँ पर उसको प्रवेश में एडमिशन मिलता है। और प्रवेश के बाद हमारे जो स्टेप्स हैं, वो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ये हर साल के हिसाब से उनको आगे बढ़ते जाते हैं। जब इन टेस्ट में बच्चा पास हो जाता है स्काउट, तो फिर ये राज्य पुरस्कार टेस्टिंग के में पार्टिसिपेट के लिए जो है एलिजिबल हो जाता, उसके योग हो जाता। तो यहाँ पर जो जांजगीर में जो आयोजित किया जा रहा है राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप है, इन्होंने पिछले 3 जो स्टेप्स हैं हमारे, उन तीनों सोपानों में क्या सीखा तृतीय सोपान तक, उसकी टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं राज्य पुरस्कार में। क्योंकि राज्य पुरस्कार के बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं पास आउट हो गए, इनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजा जाता, और राष्ट्रपति अवार्ड जो है इज़ द हाईएस्ट अवार्ड होता है इनके लिए। इसमें जो है राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं उस सर्टिफिकेट के ऊपर, और वो सर्टिफिकेट इन बच्चों को दिया जाता है। यह जांजगीर के साथ साथ PM श्री केंद्रीय विद्यालय जांजगीर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत स्काउट गाइड के राज्य स्तरीय जो राज्य पुरस्कार कैंप है, इसका आयोजन करने का मौका केंद्रीय विद्यालय जांजगीर को मिला। और यह एक मूवमेंट है जिसमें हम विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही एक देश सेवा, राष्ट्रभाव और समाज सेवा के लिए तैयार करते हैं। इसमें रायपुर संभाग के लगभग 24 स्कूल से 150 प्रतिभागी शिक्षक मिला करके आए हुए हैं, और 5 दिन की एक्टिविटी होगी। इसमें विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 31 तारीख को कैंप फायर का आयोजन होगा। उस दिन ये बच्चे अपनी अलग अलग प्रतिभा का सभी के सामने ये प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ इस राज्य पुरस्कार कैंप में आने के पहले ये विद्यार्थी तृतीय सोपान को पार करके आए हैं। तृतीय सोपान कैंप में आयोजन जो होता है मुख्यतः राज्य स्तरीय, अपने संभाग स्तरीय पर होता है, लेकिन जो राज्य पुरस्कार कैंप है इसमें हमारे जो LOC लीडर ऑफ कैंप हैं वे जबलपुर संभाग से आए हुए हैं, मतलब वो दूसरे संभाग से हैं। जो हेड एग्ज़ामिनर हैं वे भोपाल संभाग से आए हुए हैं, साथ में रायपुर संभाग से अलग अलग 5 एग्ज़ामिनर हैं। ये सभी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत स्काउट गाइड के नियमानुसार
निर्देशानुसार इस परीक्षण कैंप का आयोजन करेंगे और इस कैंप में जो विद्यार्थी सफल होंगे वे आने वाले वर्ष में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आगे जाएंगे। बिल्कुल, जो स्काउट गाइड का एक्चुअली मुख्य मोटो ही है कि सेवा भाव, कि हम अपने विद्यार्थियों में, अपने समाज में, बचपन से ही बच्चों में राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव की भावना जागृत करें। इसी को परिलक्षित करते हुए ये विद्यार्थी अपने आसपास स्वच्छता और एक दूसरे के सहयोग, इस भावना को लेकर के आगे चलते हैं।